अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बमसी साहब और उसके सिपाही जंगल में उस्मान के इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान उस्मान और बाला अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंच जाते हैं। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान और बाला अपने घोड़ों से नीचे आते हैं और बमसी साहब के सामने पहुँच कर उस्मान बाला से कहता है, बाला मैं आगे आगे चलूँगा, मेरे जंगी शेर मुझे सामने देखना चाहते हैं और तुम मेरे साथ नहीं चलोगी बल्कि मेरे पीछे रहोगी। इसी दौरान आयगुल खातून अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ आती है और उस्मान से कहती है, आप फिक्र मत करें हजूर, मैं और बाला खातून शाना बशाना लड़ेंगी, सिपाही किले के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। ये कहकर आयगुल भी अपने घोड़े से नीचे आ जाती है और बाला के साथ एक तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उस्मान आगे जाकर बैठ जाता है और दुआ के लिए अपने हाथ खड़े करता है। उस्मान के तमाम सिपाही भी पीछे बैठ जाते हैं और दुआ मांगने लगते हैं। उस्मान दुआ मांगते हुए कहते हैं, या इलाही हमें महरम न करना, या अल्लाह काफिरों के ख़िलाफ़ हमारी मदद करना, या परवरदिगार हमारी तलवारों को ईमान से तेज़ कर दे, या अल्लाह सुर्ख सेब वाले रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा। वो तुर्क जो जंग के लिए उठ खड़े हुए हैं वो आपकी शान के आगे अपने इस्लाफ से हासिल किए वक़ार के साथ झुक जाते हैं। ऐ अल्लाह हमें ज़ालिमों के ख़िलाफ़ पहाड़ की सी साबित कदमी अता फरमा। ये कहकर उस्मान दुआ का इख्तिताम करता है और अपने मुँह पर हाथ फेर देता है। इसके बाद उस्मान खड़ा होता है तो सब सिपाही भी खड़े हो जाते हैं। उस्मान अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, यहाँ तक कि अगर साफ ब साफ ज़ालिम भी सामने आ जाएं तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हम पहाड़ की तरह बुलंदो बाला साबित कदम रहेंगे। जब हम चलेंगे तो ज़मीन को रोंद कर रख देंगे और जब हम दाड़ेंगे तो आसमान पर लज्जा तारी कर देंगे, क्योंकि हम ओगोस खान की औलाद हैं। फिर उस्मान अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहता है, हम किले कोलो जाहिसार आज दोबारा फ़तेह करेंगे और उसे इस्लाम का गहवारा बनाएंगे, या तो आज हम उस किले से फतेहमंद लौटेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। ये सुनकर तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। इधर यावलुक अरसलान के जिरगे में सलतूक सिपाही अंदर आने की इजाज़त मांगता है। जब सलतूक अंदर आता है तो दुंदार पूछता है, उस्मान साहिब कहाँ हैं? सलतूक कहता है, हमें उनकी कोई ख़बर नहीं मिली। ये सुनकर दुंदार गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, कैसे कोई ख़बर नहीं मिली, हर जगह जाओ और उन्हें तलाश करो। ये सुनकर सलतूक वहाँ से चला जाता है। निकोला कहता है, क्या ऐसा तो नहीं कि वो कोलो जाहिसार चला गया हो दुंदार साहिब? ये कहकर निकोला हंसने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में फ्लैटियस एक जगह पर घात लगाकर बैठा था और उस्मान का इंतज़ार कर रहा था। इधर किले में गुफ्तगू और बुरान भी एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लेते हैं। जंगल में उस्मान और उसके सिपाही किले की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान गेंजी सिपाही सामने आ जाता है और उस्मान से पूछता है, कहाँ जा रहे हैं उस्मान साहिब? उस्मान कहता है, कोलो जाहिसार। गेंजी कहता है, क्या ये जिहाद हम पर भी फ़र्ज़ नहीं? उस्मान कहता है, ये जिहाद आप पर भी फ़र्ज़ है गेंजी साहिब, कौन किसी ऐसे बहादुर को रोक सकता है जो शहीद होना चाहता हो? ये कहकर उस्मान अपना घोड़ा किले की जानिब दौड़ा देता है तो गेंजी भी उस्मान के सिपाहियों में शामिल हो जाता है। इधर गुफ्तगू किले के सहन में पहुंचकर सिपाहियों से कहता है, तुर्क सुरंग की दीवार तोड़कर अंदर घुस आए हैं, जल्दी सुरंग की तरफ भागो। ये सुनकर वहाँ एक हंगामा मच जाता है और तमाम सिपाही सुरंग की तरफ दौड़ने लगते हैं। हेलन वहाँ आती है और चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? गुफ्तगू मुसलसल सिपाहियों को सुरंग की तरफ दौड़ा रहा था। हेलन कहती है, ये नामुमकिन है। फिर हेलन गुफ्तगू को आवाज़ लगाकर बुलाती है तो गुफ्तगू हेलन की बात नहीं सुनता। हेलन अपने सिपाहियों से कहती है, उस बहरे आदमी को पकड़ कर यहाँ लाओ। इधर सिपाही सुरंग वाले कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो बुरान कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, तुम लोगों की तादाद कुछ तो कम होनी चाहिए ताकि हम बाकियों के साथ मशगूल रह सकें। इधर निकोला खड़े होते हुए साउची के पास आता है और कहता है, तुम सिपाहियों के सरबराह हो मगर तुम अपने सिपाहियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनकर साउची भी खड़ा हो जाता है और निकोला को गिलेबान से पकड़ते हुए दीवार के साथ लगा देता है। इधर उस्मान और उसके सिपाही किले के सामने पहुंच आए थे। बुरान बजंतीनी तीर अंदाजों पर हमला कर देता है और गुफ्तगू किले की दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो किले का दरवाज़ा खोल सके। बमसी साहिब एक आग वाला तीर किले में फेंकते हैं तो बुरान गुफ्तगू से कहता है, जाकर किले का दरवाज़ा खोलो। गुफ्तगू किले के दरवाजे के पास पहुंचकर किले के दरवाजे को खोलने लगता है जबकि बुरान गुफ्तगू की तरफ बढ़ने वाले सिपाहियों को मारने लगता है। एक तीर अंदाज गुफ्तगू पर तीरों की बारिश कर देता है मगर गुफ्तगू हिम्मत नहीं हारता और दरवाज़ा खोलने की कोशिश जारी रखता है। जब दरवाज़ा खुल जाता है तो उस्मान और उसके सिपाही दरवाजे के जरिए अंदर आ जाते हैं। एक सिपाही गुफ्तगू की तरफ बढ़ने लगता है तो उस्मान अंदर आकर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद उस्मान गुफ्तगू के पास आता है और गुफ्तगू का सर अपनी झोली में रख लेता है। हेलन उस्मान को देखकर अपने सिपाहियों से कहती है, हमला करो। इसी दौरान बमसी साहिब और बाकी सिपाही भी अंदर आ जाते हैं और बजंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करने लगते हैं। गुफ्तगू उस्मान से कहता है, तीर तोड़ें हजूर ताकि मैं लड़ सकूं। उस्मान कहता है, गुफ्तगू मेरे भाई सब्र करो,
इसके बाद काई सिपाही और बजंतीनी सिपाहियों के दरमियान किले में एक बहुत बड़ी जंग होती है। बाला खातून और आईगुल भी बजंतीनियों को अब्दी नींद सुला रही थीं। इधर गुप्तोग उस्मान की गोद में कलिमा शहादत पढ़ता है। ये देखकर उस्मान ऊंची आवाज़ में गुप्तोग का नाम पुकारने लगता है और फिर उस्मान आसमान की तरफ देखते हुए एक ऊंची दाढ़ मारता है। दूसरी तरफ गुंदूज साउची से कहता है, साउची ये तुम क्या कर रहे हो, निकोला यहाँ मेहमान है। साउची कहता है, जब हम कोलोजा हिसार में मेहमान थे तो इन लोगों ने भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। गुंदूज कहता है, साउची अगर हम भी इन्हीं की तरह पेश आए तो हम में और इन में क्या फ़र्क बाकी रह जाएगा। ये सुनकर साउची निकोला को छोड़ देता है। निकोला गुंदूज से कहता है, गुंदूज साहिब असल में आप ज़रा बेहतर आदमी महसूस होते हैं, मैंने जो आपके साथ किया उस पर मुझे अफसोस है। ये सुनकर गुंदूज को वो ख्याल आता है जब निकोला ने सोगोत में गुंदूज पर हमला किया था। ये सुनकर गुंदूज निकोला के पास आता है और कहता है, मुझे अब याद आया तुम्हारा फ्लैतियस तुम्हारे साथ मौजूद नहीं है। निकोला कहता है, अब वो मेरा कमानदार नहीं रहा। इधर फ्लैतियस जंगल में अभी तक उस्मान का इंतज़ार कर रहा था। किले में उस्मान और उसके सिपाही एक मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त के साथ बजंतीनी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और तेज़ी से बजंतीनी सिपाहियों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इधर कमरे में बंद बजंतीनी सिपाही मुसलसल दरवाजे को धक्के दे रहे थे और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर बमसी साहिब गेंजी सिपाही को लड़ते देखकर उससे पूछता है, हाय माशाल्लाह कहाँ से आए हो। गेंजी कहता है, काराबाग से तिजारत के लिए आया हूँ और अब कारा उस्मान का हम सफ़र बनने जा रहा हूँ। ये सुनकर बमसी साहिब कहते हैं, माशाल्लाह काराबाग के जवान तो सलाम पेश किए जाने के काबिल हैं। इधर हेलन अपने सिपाहियों को मरता देखकर वहां से भागने लगती है। उस्मान हेलन को भागता देखकर बाला और आईगुल को हेलन के पीछे भेज देता है। इधर जिरगे में सब बैठ जाते हैं तो निकोला कहता है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और यहाँ चला आया, मगर उस्मान जिरगे में शामिल नहीं हुआ, यानी उसने हम सब को धोखा दिया। अब गिहातु के गज़ब से उस्मान को कोई नहीं बचा सकता। फिर निकोला दुंदार साउची और गुंदूज से कहता है, अगर आप लोगों को गिहातु के गज़ब से बचना है तो तुम लोगों को गिहातु से ख़ुद बातचीत करनी होगी। फिर निकोला यावलो अरसलान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो यावलो अरसलान, मैं तुम्हारी की गई कोशिशों का जिक्र ज़रूर करूँगा। ये सुनकर यावलो अरसलान कहता है, गिहातु से कहना अगर वो अपना लश्कर यहाँ लाया तो वो मुझे अपने सामने पाएगा। कई लोग मेरी मातहती में हैं मगर उस्मान अपनी मर्ज़ी करता है। अगर गिहातु उस्मान पर हमला करता है तो ये उसका हक है, मगर बाकी काइयों को वो छू भी नहीं सकेगा। अगर उसने बाकी काइयों पर हमला करने की कोशिश की तो मैं काइयों के साथ शामिल होकर लड़ूंगा। इधर उस्मान और उसके सिपाही अभी तक बजंतीनी सिपाहियों से लड़ रहे थे और अपने सामने आने वाले बजंतीनी सिपाहियों को तेज़ी से ख़त्म करते जा रहे थे। दूसरी तरफ हेलन भाग रही थी और बाला और आईगुल उसके ताकुब में थीं। कुछ सिपाही आईगुल और बाला को रोकने की कोशिश करते हैं मगर आईगुल बड़ी बहादुरी से उनका काम तमाम कर देती है। इधर उस्मान तमाम सिपाहियों को मारने के बाद अपने घोड़े पर सवार होता है और निकोला के तख्त वाले कमरे की तरफ चला जाता है। हेलन भागते भागते एक जगह पर रुक जाती है। फिर जब बाला वहाँ पर पहुँचती है तो हेलन बाला पर हमला कर देती है। बाला बड़ी बहादुरी के साथ खुद को हेलन के वार से बचाती है और फिर हेलन पर एक ज़ोरदार हमला करके हेलन को दीवार से लगा देती है। इसी दौरान दो बजंतीनी सिपाही आकर बाला को तीर के निशाने पर रखते हैं। आईगुल बाला को आवाज़ लगाती है तो बाला तीर अंदाज़ों को देख लेती है। फिर जब वो तीर चलाते हैं तो बाला खुद को उनके तीरों से बचा लेती है। हेलन मौका देखते ही बाला के चुंगल से निकल कर वहाँ से भाग जाती है। इधर उस्मान अपने घोड़े पर सवार होकर किले के मरकज़ी कमरे में पहुँच जाता है और अपनी तलवार का वार करके वहाँ मौजूद बजंतीनी झंडों को नीचे गिरा देता है। इसके बाद उस्मान अपनी तलवार को ऊपर करते हुए अपने घोड़े को फिजा में बुलंद करता है। इसी दौरान बुरान और बाकी काई सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बुरान कहता है, हजूर किला अपने मालकान के पास वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान अपने घोड़े को घुमाते हुए कहता है, कोलोजा हिसार अब तुर्कमानों का घर है। ये सुनकर तमाम काई सिपाहियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ उठती है। उस्मान कहता है, भाइयों किले के चारों इतराफ़ में लगे झंडे उतार कर फेंक दो। ये सुनकर बुरान और सब सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान दोबारा अपने घोड़े को फिजा में बुलंद करता है। दूसरी तरफ फ्लैतियस जंगल में अभी तक घात लगा कर बैठा था और उस्मान का इंतज़ार कर रहा था। एक घुड़सवार वहाँ से गुजरने लगता है तो फ्लैतियस कहता है, आखिरकार उस्मान आ ही गया। फिर जब घुड़सवार करीब आता है तो फ्लैतियस कहता है, लानत हो ये गोश्त का पहाड़ कौन है। उस्मान का सिपाही अयाज वहाँ से गुजर रहा था। फ्लैतियस उसके सामने तीर फेंक कर उसे रोक लेता है और फिर अयाज के सामने आ जाता है। अयाज सिपाही अपने घोड़े से नीचे उतर कर अपना कुल्हाड़ा तैयार कर लेता है। फ्लैतियस अयाज से पूछता है, तुम कौन हो। अयाज अपनी तलवार भी निकाल लेता है और कहता है, तुम्हारी मौत फ्लैतियस। ये सुनकर फ्लैतियस हंसने लगता है और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम तजर्बा करना चाहते हो मोटे।
ये सुनकर अयाज सिपाही फ्लैटियस पर हमला कर देता है। इधर तारगुन भी किले में पहुंच आती है और अपने बाबा के पास जेल वाले खेमे की तरफ जाती है, मगर जब तारगुन वहां पर पहुंचती है तो उसका बाबा कत्ल कर दिया गया था। ये देखकर तारगुन रोने लगती है। इसी दौरान उस्मान वहां आता है तो तारगुन उस्मान से कहती है बाबा नहीं रहे। ये कहकर तारगुन उस्मान के गले से लग कर रोने लगती है। इसी दौरान बाला वहाँ आती है और सारा मंजर देख लेती है और बहुत दुखी हो जाती है। फिर उस्मान तारगुन को छोड़कर बाला के पास आता है तो बाला कहती है एलन को नहीं पकड़ा जा सका। ये सुनकर उस्मान वहाँ से चला जाता है। इधर फ्लैटियस और अयाज सिपाही के दरमियान लड़ाई जारी थी। अयाज सिपाही फ्लैटियस पर कई ज़ोरदार वार करता है, मगर फ्लैटियस बड़ी महारत के साथ अयाज के वार से बच जाता है। इसके बाद फ्लैटियस कुछ ज़ोरदार जवाबी वार करता है और अयाज के हाथ से कुल्हाड़ा और तलवार नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद फ्लैटियस अयाज के जिस्म पर अपनी तलवार से कई वार करता है, जिससे अयाज सिपाही का जिस्म छलनी हो जाता है। फ्लैटियस अयाज के पास आकर कहता है तुम बहुत ज़बरदस्त आदमी हो मोटे, मगर फ़िलहाल तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। ये सुनकर अयाज मुस्कुराने लगता है तो फ्लैटियस कहता है तुम्हारा मुस्कुराते हुए मौत का इस्तकबाल करना शानदार लग रहा है। अयाज कहता है कोलोजा हिसार फतह किया जा चुका है, मैं इसी वजह से हंस रहा हूँ। ये सुनकर फ्लैटियस अपनी तलवार अयाज सिपाही के पेट में घोंप देता है। अयाज कलमा शहादत पढ़ता है और नीचे गिरकर शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ कोलोजा हिसार किले में गुप्तोक को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उस्मान गुप्तोक के पास आता है और उससे उसकी तबीयत दरियाफ़ करता है। गुप्तोक कहता है किला कोलोजा हिसार फतह किया जा चुका है, अब मैं ठीक हूँ जनाब। बाला और तारगुन खातून भी वहीं पर मौजूद थीं। बाला मुसलसल तारगुन की तरफ देख रही थी। बमसी और उस्मान आपस में गले मिलते हैं और किले की फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। बोरान और काई सिपाही किले की छत पर जाते हैं और बजंतीनी परचम को उतार कर नीचे फेंक देते हैं और फिर वो बजंतीनी परचम की जगह काई परचम लहरा देते हैं। किले की छत पर जाते हुए उस्मान एक बजंतीनी परचम को पकड़ता है और उसे खींच कर नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। ये देख कर बुरान ऊँची आवाज़ में कहता है अर्तुल गाजी के साहिबजादे सरदार उस्मान, आप जिहाद के रास्ते से मत हटें, मत चुकें और काफरों के सामने पहाड़ की तरह सीना तान कर खड़े रहें। फिर बुरान अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है हम सिपाही अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े हैं, जब तक आप जिहाद के रास्ते पर चलते रहेंगे उस रास्ते के दरवाजे खोलना हमारी जिम्मेदारी है। ये कहकर बुरान अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और काई परचम को किले पर लहरा देता है। तमाम काई खवातीन और काई सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद करते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।